हेलो मित्रों, आज हमारे साथ ये हेल्थ मिलियनेयर समिट में डॉक्टर सोनिया चंदानी जुड़ गई है। शी इज अ ग्रेट डॉक्टर, गोल्ड मेडलिस्ट एंड ओनर एंड प्रोप्राइटर ऑफ मुंबई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। वो हाई रिस्क केसेस हैंडल करती हैं, लेप्रोस्कोपी सर्जरी, कैंसर सर्जरी एक्सपर्ट है और हाई रिस्क सर्जरी मैनेजमेंट। डॉक्टर सोनिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज हम आपसे जानना चाहेंगे आपके ये जो कैंसर के बारे में, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर के बारे में आपकी एक्सपर्टाइज। प्लीज लेट अस नो। थैंक यू डॉक्टर सैनिया फॉर ज्वाइनिंग। बताइए आप। थैंक यू जितेंद्र जी फॉर दैट वॉर्म वेलकम एंड काइंड वर्ड्स। मैं डॉक्टर सोनिया चंद्रानी लास्ट ऑलमोस्ट 30 इयर्स से वुमेन हेल्थ के लिए पैशनेटली काम कर रही हूँ और सूरत में लगभग पिछले 20 सालों से हूँ। वुमेन हेल्थ में सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कैंसर प्रिवेंशन, यानी कैंसर को काफ़ी हद तक हम होने से रोक सकते हैं और उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, वो है ब्रेस्ट कैंसर। तो इसके बारे में आपने मुझे बात करने के लिए आज मौका दिया, आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू। थैंक यू। और ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है आज लोगों के लिए, छोटे या बड़े? तो ये आप यू प्लीज टेल मी, व्हाई इज दिस इम्पोर्टेंट फॉर किड्स टू एंटर? देखिए, जो भी बीमारी है उसकी शुरुआत अक्सर बचपन में ही हो जाती है। ब्रेस्ट कैंसर में एक बहुत इम्पॉर्टेंट हाई रिस्क है, वो है ओबेसिटी। और ओबेसिटी यानी मोटापे की जो जड़ है वो हम देखते हैं तो बचपन में है। हम बिल्कुल बच्चों को चबी बनाना चाहते हैं और इसलिए उनको ओवर फीड करते हैं और परवरिश ऐसे देते हैं कि उन्हें कुछ भी लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज करने की आदत नहीं डालते, या रूटीन एक्टिविटीज में भी पेरेंट्स जो हैं एकदम उन्हें सपोर्ट करते हैं तो वो लोग की लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज भी गुम हो जाती है और चबीनेस बढ़ते जाता है। तो ये जो जड़ें हैं वो बचपन से शुरू होती हैं। तो किसी भी कैंसर में लाइफस्टाइल का बहुत महत्व है और लाइफस्टाइल का महत्व बचपन से, आदतें जो है वो बचपन से ही बदली जा सकती हैं या अच्छी आदतें संस्कार में डाली जा सकती हैं। तो किड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि लगभग एक पेशेंट, जब मैं 6 पेशेंट्स देखती हूँ उनमें से कैंसर का ग्रसित होता है, यानी अगर 6 महिलाएं हमारे पास ब्रेस्ट की तकलीफ के साथ आई हैं किसी भी तरह की, तो उनमें से एक को लगभग कैंसर होता ही है। तो ओह माय कैंसर गॉड, इतना तेजी से हम देख रहे हैं और 20 साल की उम्र से भी हमें कैंसर ब्रेस्ट में दिख रहा है आजकल। ओह माय इट्स गॉड, कमिंग एट अ वेरी अर्ली एज एंड इन टू मेनी लेडीज। आई थिंक एवरी फैमिली हैज एटलीस्ट वन कैंसर पेशेंट दीज डेज, एंड ओहो इन फीमेल्स ब्रेस्ट कैंसर इज वेरी इम्पॉर्टेंट, सो वी शुड बी केयरफुल। बिल्कुल। आप कोई तीन ऐसी चीज बता सकते हैं जो मतलब मस्ट डू हो, करनी ही चाहिए ताकि हम इसको प्रिवेंट कर सके, है ना डॉक्टर सानिया? बहुत ही बढ़िया सवाल। जैसे मैंने कहा, कैंसर में प्रिवेंशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट और ब्रेस्ट वो भाग है जिसे स्त्री खुद एग्जामिन कर सकती है, इसे हम सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कहते हैं। तो हर महीने अपना मासिक चक्र कंप्लीट होने के बाद सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन यानी खुद के स्तन की खुद जांच करना बहुत जरूरी है और ये हमें टीन एज से शुरू कर देना है, यानी यंग एज से बढ़ती बच्चियों में चालू कर देना है। नंबर 2, साल में एक बार डॉक्टर से भी अपने ब्रेस्ट की जांच जरूर कराना है किसी भी उम्र में। जिन भी बच्चियों का टीनेज हो गया है उन्हें साल में एक बार अपने वुमेन हेल्थ स्पेशलिस्ट के पास जनरल चेकअप के लिए जाना चाहिए और उसमें ब्रेस्ट कैंसर या ब्रेस्ट में किसी भी तरह का बदलाव नोटिस जल्दी किया जा सकता है।
तीसरी चीज, इसमें टेस्ट की जरूरत पड़ती है, यानी कई बार मैमोग्राफी या बायोप्सी। तो जैसे ही डॉक्टर सलाह दें आप तुरंत टेस्ट करा लें। इवन हमारे पास ब्लड टेस्ट है, BRCA1 BRCA2, जिससे कैंसर होगा क्या उसका पता हमें लगभग 10-15 साल पहले ही चल जाता है। तो जो भी टेस्टिंग है, सेल्फ एग्जामिनेशन है या डॉक्टरी कंसल्टेशन है, ये तीन चीजों का हमें विशेष ध्यान रखना है। बहुत अच्छा बताया आपने, तो इससे बहुत अपने को फायदा होगा। व्यूअर्स प्लीज मेक अ नोट, रेगुलर चेकअप, और 10-15 साल पहले। हम अभी मेडिकल साइंस तो इतना इम्प्रूव हो गया है और ऐसे एक्सपर्ट है, तो इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। डॉक्टर सोनिया, आप कुछ ऐसा टिप दीजिए जो तीन चीजें नहीं करनी चाहिए। नो 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 या नेवर डू, ऐसा कोई आप बता सकते हैं क्या? हाँ, ये बहुत ही जरूरी है समझना कि हमें क्या क्या नहीं करना है। तो हमें फैटी फूड्स अवॉइड करना है, जंक फूड्स अवॉइड करना है, क्योंकि जो भी लोग जंक फूड का कंजम्पशन या अल्कोहल का कंजम्पशन, स्मोकिंग ज्यादा करते हैं, उन लोगों में कैंसर का चांस बढ़ जाता है। नंबर टू, अगर हमारे फैमिली में कैंसर है तो कैंसर से डरना नहीं है कि अब हम चेकअप नहीं कराएंगे, हमको डॉक्टर से डर लगता है अगर कुछ निकल गया तो। ये बिल्कुल नहीं करना है, हमें डॉक्टर को दोस्त समझकर उनकी मदद लेकर कैंसर से बचना है। और नंबर थ्री, जो भी रिपोर्ट्स आते हैं उन्हें इग्नोर नहीं करना है, उस पर जो भी काम करना जरूरी है, मेडिकेशन जरूरी है, फॉलोअप जरूरी है, अगर कोई छोटी गांठ है उसे निकालना है तो निकालना है, क्योंकि छोटे में जो काम आसानी से हो सकता है, जब बढ़ जाता है तो हमें कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और बहुत गहराई से ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, जो कि एक छोटे से शायद लंप निकालने से पहले ही सॉल्व हो जाता है। ओके, ओह दैट्स नाइस। जैसे कहते हैं ना, स्टिचिंग टाइम सेव्स नाइन, तो ये तो जिंदगी की बात है। तो आपने जो बताया, मैं दोहराना चाहूंगा, डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ गेटिंग इट टेस्टेड। मतलब ये मन में डर जो आपने बताया, बहुत सही बताया कि डर रहता है कि कहीं कुछ गांठ निकल गई तो क्या होगा। तो इसके बजाय हम टेस्ट करें, और डॉक्टर सोनिया जैसे एक्सपर्ट जो है वो हमें बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर, आप कोई मिथ कोई तोड़ना चाहेंगे? मतलब कोई अंधविश्वास लोगों में होता है, या कोई ऐसा कोई केस शेयर करना चाहेंगे आप? सर, हमारे पास बच्चियां आती हैं और जो उनका इनर वेयर होता है वो लोग ठीक से नहीं पहनते। कई बार उनको ऐसा लगता है कि पैडेड इनरवेयर ज्यादा अच्छा है या वायर्ड इनरवेयर ज्यादा अच्छा है, या लुक्स मेंटेन करने के लिए वो गलत तरीके के इनरवेयर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये इनरवेयर का ब्रेस्ट पर बहुत गहरा असर पड़ता है, इसलिए सही इनरवेयर पहने, कॉटन का इनरवेयर हो, वो लूज हो, उसमें वायर्स ना हो, कलर डार्क ना हो, पैडेड ना हो। और अगर आप इस तरह के आर्टिफिशियल चीजें ज्यादा यूज करते हैं तो भी ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। तो ये गर्ल्स में जो मिथ होता है कि भाई हम अगर टाइट कपड़े पहनेंगे तो हम सुडौल रहेंगे, ये रॉन्ग है। जो इनर स्ट्रक्चर है उसकी इनर स्ट्रेंथ के कारण इलास्टिसिटी है, आप बाहर से उसको एक्सटर्नली शेप देने की कोशिश करेंगे, वो शायद आपको लुक्स अच्छे देगा लेकिन आपकी हेल्थ को वो डैमेज करे। ये सब टिप्स बहुत जरूरी है और समझना जरूरी है, जो हमारा कल्चर है और वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस नहीं आना चाहिए। तो ये सब ब्रेन वॉशिंग जो इश्तहार में, एडवर्टाइजमेंट में होता है, अपने बहुत सिंपल तरीके से लेकिन बहुत ही अगत्य की बात बताती है। तो अभी हमारा एक फाइनल क्वेश्चन रहेगा, जो आप बता सकते हैं, जो हैबिट के लिए, जो हैबिट फॉर्मिंग है या कोई रेगुलर करनी चाहिए, ऐसी कोई आप टिप्स दे सकते हैं? डेफिनेटली अ वेरी गुड लाइफस्टाइल एंड वेजिटेरियन डाइट, कीप योर वेट इन रेंज,
यूज करेक्ट इनरवेयर. फॉर कैंसर देर आर प्रिवेंशन अवेलेबल. वी कैन गो फॉर ब्लड टेस्टिंग और प्रॉपर टेस्टिंग एज पर द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर. एंड फॉर सर्वाइकल कैंसर विच इज अगेन फाउंड इन फीमेल्स, उसके लिए हमारे पास वैक्सीनेशन भी है. ज्योतिरेंद्र जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी हम सर्वाइकल कैंसर पर भी एक बढ़िया सेशन लें. जरूर और जरूर ब्रेस्ट कैंसर में इतनी बढ़िया वेजिटेरियन डाइट में चीजें हैं कि उसे प्रिवेंट किया जा सकता है. सो आप ये ऑल इंडिया हेल्थ समिट में होने वाले सभी बढ़िया प्रोग्राम्स को अटेंड करें, और उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस भी हो तो बाद में हमें कॉन्टेक्ट करें. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सोनिया, आपका इतना समय आपने दिया. दर्शकों, मैं ज्योतिंद्र झवेरी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने से. ये जो हेल्थ मिलियनियर्स समिट है ऑल इंडिया, तो आप जरूर इसमें हिस्सा लीजिए, और ऐसे जो महान डॉक्टर्स हैं अपना कीमती समय देके इतनी सारी बातें बताना चाहते हैं. डॉक्टर सोनिया, थैंक यू वेरी मच. सो नाइस ऑफ यू टू कनेक्ट हियर इन द ऑल इंडिया हेल्थ मिलियनियर समिट. थैंक यू. ये डॉक्टर विमल राठी ने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है, उसके बारे में आप एक दो शब्द बोलेंगे तो बढ़िया रहेगा. सर, डॉक्टर राठी का विजन ही हमारा भी विजन है कि हमारे सभी सिटीजन्स जो हैं वो जरूर हेल्थ में मिलियनर्स बने. इसी मिशन को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं, और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स में आपसे जुड़े रहेंगे. थैंक यू. बिल्कुल, हैप्पीनेस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ हेल्थ आफ्टर ऑल. जो भी हमारा हैप्पीनेस रहने का है, तो ये प्रिवेंट कर सकते हैं. ये जो बातें आपने बताई तो मेरे ख्याल से ये बहुत जरूरी है. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सोनिया, बाय. थैंक यू, बाय बाय.